एक बार फिर से कोरोना को परास्त कर 36 मरीज इंडेक्स अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। यह पहला मौका नहीं था जब इंडेक्स अस्पताल से इतनी बड़ी संख्या में मरीज कोविड-19 यानी कोरोना को हराकर अपने घर को लौटे हों। इससे पहले भी इंडेक्स से लगभग 250 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अस्पताल प्रबंधन का भरोसा है कि इंडेक्स से आगे भी इस तरह की सुखद खबरें आती रहेंगी। स्वस्थ मरीजों को शुभकामना देने के लिए इंडेक्स अस्पताल परिसर में पूर्व बीजेपी विधायक राजेश सोनकर, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एसएम होलकर, फिजियोथेरेपी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर रेशमा खुराना मौजूद थे। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एडिशनल डायरेक्टर आरसी यादव ने इसे अपनी टीम की सफलता बताया है। इंडेक्स हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने बताया कि हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि आज भी इंडेक्स अस्पताल से 36 नए स्वस्थ मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स व उनकी टीम जो घर परिवार छोड़कर पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनके बिना यह सब संभव नहीं हो सकता था। आज हमारी टीम, हमारा हॉस्पिटल पूरा कोरोना से लड़ रहा है, देश भी उससे लड़ रहा है, लेकिन हमारी टीम, हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह से कोरोना पे समर्पित है। हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फोर्थ क्लास स्टाफ सब कुछ अपना घरवार छोड़ के और पूरी ताकत से कोरोना से लड़ रहे हैं, देश के प्रति देश के साथ में हैं। आज हमने 36 पेशेंटों को ठीक करके रवाना किया है। करीबन 300 पेशेंट हम ठीक करके कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंटों को ठीक करके घर भेज चुके हैं और करीबन 200 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आज भी उपस्थित थे। इनको भी हम धीरे धीरे कोशिश करके उपचार करके कोशिश करके इनको सबको रवाना करेंगे ठीक करके। इंडेक्स हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर के वाइस चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया ने बताया कि अब तक 75% मरीज इंडेक्स अस्पताल में कोरोना को हराकर अपने घर जा चुके हैं।